नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गरिमा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा की रसोई से। गर्मियों की छुट्टियाँ आ गई हैं और लॉकडाउन भी है, ऐसे में बच्चों को कुछ ना कुछ नया चाहिए। आज आप मेरे साथ बनाइए डिलीशियस बनाना केक। इसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ पके हुए बनाना का पल्प, एक कप मैदा, आधा कप शुगर, 1/4 कप अनफ्लेवर्ड ऑयल, आप बटर भी ले सकते हैं, और आधा कप के करीब मिल्क, 1 TSP बेकिंग पाउडर, 1/2 TSP बेकिंग सोडा और 1 TSP वनीला एसेंस। तो सबसे पहले हम अपना टिन प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए हम इसमें ऑयल ग्रीस कर लेंगे। चारों तरफ ऑयल लगाएंगे अच्छे से। और बटर पेपर लगाएंगे, फिर ऑयल लगाएंगे। लीजिए, हमारा टिन तो रेडी हो गया और मैंने अपने अवन को भी 170 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्रीहीटिंग पे लगा दिया। अब हम अपनी केक बनाने की प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाना पल्प इसमें डालेंगे, देन आधा कप शुगर डालेंगे, मैंने पिसी हुई चीनी ली हुई है, देन 1/4 कप ऑयल डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो हम सब अब मैदा डालेंगे इसमें। तो मैदा को हम हमेशा छान के लेते हैं, इससे प्रॉपर एरेशन होगा और कुछ इम्प्योरिटी अगर होगी तो वो भी निकल जाएगी। अब हम इसको अपना मिक्स करेंगे। अब इसमें हम दूध मिलाएंगे। दूध को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। आ गई ना परफेक्ट कंसिस्टेंसी। इसके लिए मुझे लगभग आधा कप दूध लगा है। अब हम इसमें मीठा सोडा डाल देंगे, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और लगभग 1 TSP वनीला एसेंस। वनीला एसेंस आप ऑप्शनल है, आप डाल चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो नहीं डालें, बट अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसको हम लोग प्रॉपर मिक्स करेंगे। अब इस बैटर को हम अपने टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। मैं इसमें थोड़े से चोको चिप्स भी डालूंगी, आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो ना डालें। इसको हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे, कुछ एयर बबल्स होंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे। अब हम इसे 30 मिनट्स के लिए 170 डिग्री पर ओवन में रखेंगे, प्री हीटेड ओवन में। ओके,
मैं इसे मिडिल रैक में रखूंगी। बेक मोड में 30 मिनट्स के लिए सर्वाइन सरेंडर लीजिए। ये देखिए हमारा केक एकदम तैयार है। देखिए एकदम क्लीन निकली ना स्टिक, इसका मतलब केक एकदम अच्छे से पक गया है। अब इसे हम आधा घंटा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही इसको डीमोल्ड करेंगे। अब हम हमारे केक को डीमोल्ड करेंगे। देखिए कितनी आसानी से निकल गया है ना, वाओ। दिख रहा है ना कितना यमी। अब इसको हम कट करके देखेंगे। है ना कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा।